सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ दिल्ली, दिल्ली जू। ये चिड़ियाघर जो दिल्ली में बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के पास, यहाँ से हम एंट्री करते हैं। राइट हैंड पर आपको दिख जाएगा एक पॉइंट जहाँ पर आप अपनी स्नैप अपनी फ़ोटो ले सकते हैं और इस सुंदरता का अपने फ़ोन में आगमन कर सकते हैं, उसको भर सकते हैं अपने फ़ोन में। उसी के साथ ये आपको फाउंटेन दिख जाएगा और यहाँ पर कुछ प्यारे से वर्ड्स आपको रखे गए हैं ताकि आपका जो सफ़र है वो स्टार्टिंग से ही मनमोहक बना रहे। राइट हैंड का ये दृश्य दिखाया हमने, वहीं अगर हम बात करेंगे लेफ्ट की तो लेफ्ट पे आपको ब्लैक स्वैन दिख जाएगा स्टार्टिंग में, और ये है वो पॉइंट जहां पर आपको बैटरी व्हीकल मिल जाएंगे। यानी कि आप अगर वॉकिंग से अपना सफ़र तय करना चाहते हैं तो वॉकिंग से आप सफ़र तय कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये बैटरी व्हीकल भी ले सकते हैं जिसका चार्जेज है 70 रुपीज़ पर हेड और बच्चों के लिए 30 रुपीज़। इसके अलावा आप इसको रिजर्व भी कर सकते हैं, 800 रुपीज़ में आपका रिजर्व हो जाएगी और आपका ये वेट करेगी तब तक आप आ नहीं जाते अपने डेस्टिनेशन से घूम के अगले नेक्स्ट पॉइंट के लिए। और ये हमारी बैटरी व्हीकल आई। और बैटरी व्हीकल में बैठकर हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाने। ये हम बोर्ड कर चुके हैं बैटरी को और यहाँ इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। सिस्टम है गाड़ी से उतरते रहना, यानी माल देखते रहना, जो पीछे से गाड़ी है उसमें बैठते रहना। यहाँ आने के बाद स्टॉप खत्म है, फिर हम दोबारा गाड़ी में नहीं बैठाएंगे, या इन लोगों को भी बता देना आप। ठीक है ये हम चल पड़े अपने कारवां पे, यानी कि जू के लिए। बच्चे बहुत खुश हैं, नज़ारा बहुत प्यारा है, मौसम बहुत अच्छा है। अच्छे मौसम में आने का ये फायदा होता है कि आपको पशु पक्षी जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में दिख जाएंगे, वो एक जगह बैठे नहीं रहते, वो कुछ हरकत करते हुए भी आपको दिख जाएंगे। और इस बैटरी व्हीकल का भी अलग ही मज़ा है इस पे सवारी करने का। ये पहला डेस्टिनेशन हमारा है जल पक्षी, यानी कि वाटर बर्ड्स। ये फर्स्ट स्टॉपेज है इस चिड़ियाघर का। ये बैटरी व्हीकल अपने इसी दिशा में चलते रहते हैं। आप इसको डीबोर्ड करके एक डेस्टिनेशन पर घूमकर और फिर वापस आ सकते हैं उसी पॉइंट पर, जो कि आपको दूसरा बैटरी व्हीकल मिल जाएगा और अगले नेक्स्ट स्टॉप पे आपको ले जाएगा। ये इसी तरीके से यहाँ का सिस्टम बनाया गया है। और अब हम जर्नी शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शेर पूंछ बंजर। ये शेर पूंछ बंदर जो है, इसकी पूंछ तो शेर की तरह होती है, इसी वजह से इसका नाम रखा गया है शेर पूंछ बंदर। और यह हमें पेड़ पर लटका हुआ दिखाई दिया थोड़ी सी सुस्त अवस्था में, और इसको हमने कैप्चर किया है। ये देखिए आपको ब्लैक पॉइंट यहाँ पर दिख जाएगा, ये है, जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं शेर पूंछ बंदर। इसके लिए यहाँ पर कुछ रोप वगैरह भी लगाई गई है कि यह जब ये हरकत में आए तो दर्शकों को देखने का अलग ही आनंद आए। फिलहाल आप नजारा लीजिए इसका, इस प्यारे जानवर का। सो गाइस, नेक्स्ट एनिमल इज बेबून। दिस इज द बेबून एंड यू कैन सी ओवर देयर, ही इज वॉकिंग हेयर एंड देयर, ही इज रनिंग हेयर एंड देयर। ये मस्त मौला, ये कोशिश कर रहा है कि वापस पिंजरे में चला जाए, बाहर धूप बहुत है ना, लेकिन इसका पिंजरा बंद किया हुआ है। एंड दिस इज द डियर, हिरन।
हिरणों की कई प्रजातियां हैं, काफी प्रजातियां यहाँ चिड़ियाघर में रखी गई हैं, उन्हीं में से एक है ये हिरण। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको ये आसानी से दिख जाए। यहाँ पर करीब 4-5 किस्म के हिरण रखे गए हैं, जिसमें चीतल है, ब्लैक हिरण है और आपका सांबर है, इस टाइप के आपको काफी दिख जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर ये मौसम में घूम रहे हैं इधर से उधर। ये देखिए बारहसिंगा भी आप इनको बोल सकते हैं। Now you can see black duck. चलो रस्सी से क्या बनना चाहिए? आज तो निकाल दी। कितने प्यारे हैं जो टहल रहे हैं इधर से उधर। और ये काफी बड़े झुंड में हैं, यहाँ पर रखे गए हैं ताकि आप इनको आसानी से देख सके। तो दोस्तों ये है ग्रे लंगूर, जो कि ग्रे कलर के होते हैं। शक्ल दिखा दो। इन्हें हिंदी में भी ग्रे लंगूर और इंग्लिश में भी ग्रे लंगूर कहा जाता है। यहाँ क्या करें? ये है ताड़ बिलाव। कुछ करने को है नहीं, खाना मिल ही जाता है। आप देख सकते हैं ये ताड़ बिलाव। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। एंड फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है। पोर्सिफाइन शाही, इसकी पीठ पर इस टाइप से कांटे होते हैं कि शेर भी इसका शिकार नहीं कर पाता आसानी से। जैसे ही शेर इसके पास आता है ये अपने कांटे उसके चबा देता है। और ये बहुत कम लोगों को देखने को मिलता होगा, टॉर्टोइस यानी कि कछुआ। ये कछुआ एक खुले वातावरण में रखा गया है और चारों तरफ। और अब हम आते हैं जिसके लिए आप व्याकुल होंगे देखने के लिए, शेर। जी हाँ, टाइगर। अब हम टाइगर के पिंजरे की तरफ आ गए। ये देखिए आपको ये झूम के चलता हुआ नजर आ रहा है, पूंछ हिला रहा है अपनी, और ये इधर से उधर घूम रहा है। ये बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है क्योंकि ये जानवर ज्यादातर यहाँ पर सुस्ती पड़े रहते हैं, करने के लिए कुछ होता नहीं है। तो ये हमारा अच्छा एंड नाउ फ्रॉम दिस स्टॉपेज अगले डेस्टिनेशन के लिए बैटरी व्हीकल में। और ये हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट स्टॉपेज में। इसी तरीके से आप अपनी ये व्हीकल पकड़ सकते हैं नेक्स्ट स्टॉपेज के लिए, वहाँ पर घूम सकते हैं ताकि अगले जानवर देख सकें। उसके बाद फिर दोबारा से व्हीकल स्टेज पे आ जाइए ताकि वो आपको अगले स्टॉपेज पर उतार सके। अगर मौसम अच्छा हो तो पीकॉक तो आपको कहीं भी इधर उधर टहलते हुए दिख जाएंगे। पीकॉक यहाँ पर बिखरे पड़े हैं, फैले हुए हैं पूरे जू में। ये देखिए ये हमें बाहर ही दिख गया था पीकॉक, जिसको हमने कैप्चर किया आपके लिए। एंड दिस इज द चीतल। चीतल स्पॉटेड डियर यानी कि वो हिरन जिसके पीठ पर चितकबरे निशान होते हैं। यहाँ ये देखिए जूम करके हम दिखाते हैं, पीछे की तरफ काफी झुंड है इनका और ये घूम रहे हैं इधर से उधर। आप देख पा रहे होंगे इनको अच्छी तरीके से। Bye.
अब हम आपको दूसरे एंगल से भी बेबून को दिखा देते हैं। ये देखिए, एक एंगल से हमने उस तरफ दिखाया था और ये पिंजरे का दूसरा, ये देखिए बेबून आया बाल तो आगे थे इसके। हाँ, आगे से देखोगे थोड़ा लगे, साइड से ज़्यादातर आपको जब भी आएंगे ऐसे ही मिलेगा। ये एशियन एलिफेंट है, अफ्रीकन एलिफेंट भी है जो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आप देखिए एशियन एलिफेंट। दिस इज द हिप्पोपोटेमस, दरियाई घोड़ा जो दरिया में ही पड़ा रहता है ऐसा घोड़ा। अरे ध्यान गाइज, आप देख सकते हैं हिप्पोपोटेमस। और एक जो सबसे जरूरी और अच्छी बात की, उसका एक छोटा सा नन्हा बेबी उसके साथ ही लेटा हुआ है। उसने देखिए अपना ऑब्वियसली होगा ज्यादा ही होगा गर्दन पे रखा हुआ है 3000 किलो। ये इस हमें लगभग सारे जानवर देखने को मिले। हमने आनंद लिया अपने इस जर्नी का जो कि थी दिल्ली के ज़ू में। ये देखिए वॉक कर रहा है, चल रहा है और इसी तरह पास नहीं आ रहा है।
हम आपको दिखाने वाले हैं नानू के साथ हाथी, तो गाइस देखते हैं अफ्रीकन हाथी, देखते हैं गाइस कितना बड़ा होगा हाथी, अफ्रीकन एलिफेंट है। यहाँ पे मोर बैठे हैं, थोड़ी थोड़ी देर, वो भी पेलिकन, जरा जरा सी दूरी पर मोर बैठे हैं। दिल्ली के जू यानी दिल्ली दिल्ली के चिड़ियाघर में जो कि आपको देखने के लिए मिल जाता है, बस आपसे बस हाथी के दर्शन अब होने वाले हैं। ये देखिए हाथी जा रहा है, कि आप बस एक बार आए यहाँ पर और आनंद लें सारे एनिमल्स का। तो अभी हमने आपको दिखाया था एलिफेंट जो कि इंडियन एलिफेंट था, तो अब आ गया अफ्रीकन एलिफेंट। जी हाँ, अफ्रीकन एलिफेंट जो कि अफ्रीका में होते हैं ज़्यादातर, तो दिल्ली के चिड़ियाघर में तो सब आपको देखने को मिलते हैं। हाथी मेरा साथ तू है तो। जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको अफ्रीकन एलिफेंट भी दिखाएंगे, तो ये है अफ्रीकन एलिफेंट। एशियन एलिफेंट आपने देखा था पहले, और ये अब तेजस्वी अफ्रीकन एलिफेंट। बड़े तेजस्वी लोग हैं, बुढ़ा नहीं है ये चाचा, कुछ पूछ ले। और दोबारा से ये देखिए एशियन एलिफेंट मटर गश्ती करता हुआ पानी में। इसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, ये हाथी का बच्चा है, और ये बहुत देर तक इसी तरीके से पानी में मस्ती करता रहा और इन्जॉय करता रहा अपने लाइफ के इस क्षण को। चलो बेटा तू पकड़ ले, ये तू मैं बनाता हूँ। कोई भी बच्चे ग्रिल पे नहीं रखोगे, देखा देखा जो अरे डरे मच्छर, अरे मारेगा थोड़ी। पानी में नहीं जा रहा, पानी में होता था। अबे वो वाला कैंडा थोड़ी, ये वो समझ रही है, दरियाई घोड़ा देख एक मोरा। हाँ वो चल रहा, वो चल के आ रहा है, इधर ही आ रहा है, वो कह रहा मेरी फोटो खींचे। इतना खतरनाक लग रहा है, 200 किलोमीटर से भाग लेता है देखने में ऐसा, और इसकी खाल सबसे मोटी होती है। हाँ दरियाई घोड़े की भी तो होती है, इसकी सबसे ज़्यादा।
आ रहा है, वो देखिए मस्त चाल से झूमता हुआ गैंडा हमारी तरफ बढ़े चला आ रहा है। वो कह रहा है कि हमारी फोटो खींचो। देख सकते हैं कितना खतरनाक लग रहा है ये देखने में आप। ये आ चुका है, यहीं आ रहा है। ऐसी वीडियो के लिए प्लीज एक लाइक तो बनता है गाइस, सब्सक्राइब के साथ एक लाइक कर दो। आपने इधर पाले कैसे? कितनी मस्त आई है। जैसे जैसे युद्ध क्षेत्र में वो शस्त्र और अस्त्र पहन लेते हैं। बिल्कुल कवच और चला के तैयार बैठा है। बिल्कुल कवच उसी तरीके से देख ऐसा। ऑलरेडी गीला हो रहा हो। देख पानी पानी पी रहा है, पानी पी रहा है। देख पानी पी रहा है, पानी है इसमें। देख लिया मैंने। दो काम हो रहे उसके। पानी पी रहा है, ही इज ड्रिंकिंग वाटर एंड ही इज ईटिंग ग्रास। वो पानी में पैर दे रहा है। वो जो नहाता वो वाला गेंडा देखना। चले क्या? और फ्रेंड्स अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं रीछ भालू, यानी कि वो जानवर जो पूरी तरीके से काले बालों से घिरा रहता है और जिसका आप अच्छी तरह जानते होंगे रामायण में जामंत, वही भालू हिमालयन भालू हिमालयन रीछ यहाँ पर अब आपको दिखाई देगा। और इसी के साथ में एक स्लॉथ रीछ भी होगा जो कि इससे अगले जगह पर रखा गया है। मोलू देख आया। ये है स्लॉथ बीच रीच यानी कि बेयर। और इसी जगह पर अब हम आपको दिखाएंगे देख मुंह देख इसका कैसे लेटा हुआ है। अरे किधर बना रहा हूँ मैं। गुरिल्ला है क्या? गुरिल्ला है क्या? भालू है। साउथ बियर स्लोथ बियर वो रे ना। हाँ अंदर भी है। ये कैसे? अंदर भी है, अंदर दो है। फोकस नहीं हो रहा, हो गया। लायन नंबर है। खाना पचा रहा है, कुकिंग कर रहा है, खाना खाते गाय को तो इसके लिए बना रखे सीढ़ियाँ। हाँ उधर की साइड भी होगी। फिर देख आ गया, आ गया। देख देख वो आया, देख वो आया। वो सो रहा है ना, उसे जगाना है। तो उसने बोला ढंग से बोल, मुंह से सुपारी निकाल कर। तप्पर पानी क्या कह रहे हैं? क्या कह रही है? क्या चाहते हो? पागल होगी, पागल। पापा उसका तप्पर। वहाँ पर उसका तप्पर। तप्पर तब। अच्छा अब मेरी समझ में आया। अच्छा मेरे को मालूम छाया में ठंड में बाहर नहीं आएंगे। हाँ पापा वो अपनी भालू अपनी
कौन गया? म्याओ चुप रहो। चुप रहो। मोर का बच्चा होता है बेटा, तभी तो मोर होता है। मुझे क्या था तेरी आंख कैसी? वो ना क्लास का था दूसरा, तो मैं भी ऐसे चलाई वो। चो को पार। उधर रोज़ पहले का नहीं है ना? शेर के लिए वापस जाना पड़ेगा। देखो लेपर्ड तेंदुआ क्या एंगल मिला है? और फ्रेंड्स अब ये है लेपर्ड। लेपर्ड आपका इंतजार खत्म हुआ, अब हम आपको दिखा रहे हैं लेपर्ड। ये लेपर्ड देखिए क्या खूंखार, इसके दांत बहुत पहने और इसके पंजे इसके पैरों में अंदर चले जाते हैं, और जब ये शिकार करता है तो इनको बाहर निकाल लेता है। डेढ़ डेढ़ इंच के इसके पंजे होते हैं। ये बहुत ही खूंखार और पूरी मस्ती में ये इधर से उधर घूमता हुआ दिखाई दिया। इसमें कोई आलस नहीं दिखाई दिया हमें, जैसे बाकी जानवरों में दिखाई देता है। ये देखिए इसकी वीडियो हम आपको आराम से तसल्ली से दिखा रहे हैं ताकि आप आनंद ले सकें और इस खतरनाक जानवर को अच्छी तरीके से देख सकें। देखते रहिए।
चूचू देख इधर चोर बन गया देखो। सो गाइज दिस वीडियो हैज बीन ऑलरेडी वेरी लेंथी, तो अभी इसको खत्म करते हैं। बाकी जितना हम हो सके उतना आपको बना के वीडियो भेज रहे थे और हमने ज्यादातर जानवरों को कैप्चर किया है अपनी इस वीडियो में। अगर हम सभी को आपको कैप्चर करके दिखाते तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। फिलहाल के लिए विदा लेते हैं और अपडेटेड वीडियो के लिए और जानकारियों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।